जब तक मैं आपकी चॉइस नहीं बन जाता दादा बाबू, मैं आपकी प्रेफरेंस नहीं बन जाता इस कुर्सी पर बैठने के लिए, तब तक मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मैम, ये डीजे कितना झूठ बोल सकता है। आई नो रोज, और इसलिए मुझे जल्द से जल्द एक मौका ढूंढना है जिसमें मैं दादा बाबू से बात कर सकूं। एंड ऑनेस्टली रोज, मैं ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार हूँ कि मैं दादा बाबू को सारी सच्चाई बता दूं। मैं कैसा इन हो, दादा बाबू मुझ पर विश्वास करेंगे और फिर देखती हूँ डीजे के झूठ के क्या मायने रहते हैं। आइए दादा बाबू। बीजम मम सर्वभूतानम विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धिमतम अस्मि तेजस तेजस्विनम अहम। मतलब अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही वो बीज हूं जिससे सारा जीवन पनपा है, मैं ही बुद्धि और बुद्धिमान का वैभव हूं, उसका यश हूं। दिग्विजय, इस कुर्सी पर मैंने अपने पिताश्री को बैठते हुए देखा है, अपने छोटे भाई प्रेम को भी और अपने आप को भी, और हमेशा मुझे इस बात का आभास होता है कि क्या सच में हम इस कुर्सी को चुनते हैं या फिर ये कुर्सी हमें चुनती है। दिग्विजय, ये कुर्सी उसी को वंशज चुनेगी जो इसका असली हकदार होगा, इसके योग्य होगा। योग्य तो मैं हूं दादा बाबू, मेरे अलावा कोई भी नहीं है जो इस वंशज की रेस में पार्ट ले सके। ईशा और अर्जुन को तो मैदान में भी नहीं आने दूंगा, और युविका वो तो मर चुकी। असली वंशज कौन है ये तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी डीजे, तब तक जितना मुस्कुराना है तुम्हें मुस्कुरा लो। अपने नाम के आगे विजय लगाने से कोई दुनिया नहीं जीत लेता। जिस दिन तुम्हें तुम्हारे पेडेस्टल से गिराऊंगी ना, मजा तो उस दिन आएगा। तुमने अपनी काबिलियत का प्रमाण दे दिया है दिग्विजय, और बोर्ड ने भी तुम्हें चुन लिया है, तो बेटे तुम उसी तरह काम करते रहो जैसे तुम करते आए हो। मैं तुम्हें महाशिवरात्रि की पूजा में मिलता हूं। जी दादा बाबू। आप भी आइएगा मिस युक्ति बुल्तानी। दादा बाबू, आपने हमेशा मुझे मेरी इंसाफ की लड़ाई में सपोर्ट किया है, और मैं ये जानती हूँ इस बार भी आप सच्चाई के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। बस मुझे आपको सच्चाई से रूबरू कराना है। आज महाशिवरात्रि है, शिव तो परम सच का प्रतीक है। मेरी बातों में आप खुद सच को देख लेंगे दादा बाबू, विश्वास करेंगे मेरा। ये पंडित जी को देखे आप। ऑल गुड, सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा है? यस मैम, लेकिन कल थोड़ा ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। मैम, हमको इतनी जल्दी डोज नहीं बढ़ाना चाहिए, अगर इनको कुछ हो गया तो। सोचने का काम हमारा है, यू डू योर जॉब। यस मैम। टेक हर। सॉरी मैम।
दादा बाबू क्या सोच रहे हैं? वो ही चेहरा, वो ही प्रेम जैसी आंखें, ये युक्ति मुझे युविका की याद दिलाती है। काश ये हमारी युविका होती। क्या सोच रही है मैम? रोज रुद्राभिषेक करते हुए मैं आज दादा बाबू के आसपास ही रहूंगी और महादेव के आशीर्वाद से मौका मिलते ही दादा बाबू को पिछले एक साल की सारी सच्चाई बता दूंगी। अरे वाह कोयल, युग तुम्हारी गोदी में, वंडरफुल। दादा बाबू को इम्प्रेस करने का बड़ा अच्छा तरीका निकाला है तुमने। अब इसे कैसे बताऊं कि पर्सनली आई हेट किड्स, पर डीजे ने दादा बाबू से फॉर्मल इंट्रोडक्शन करा के मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं छोड़ा है। युक्ति, शायद यही मौका है दादा बाबू से बात करने का। दादा बाबू, आपके लिए जूस या पानी मंगवाऊं? आपने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। नहीं गार्गी, मैं आरती और जप के बाद ही जल ग्रहण करूंगा। कि गार्गी ताई जी को भी ऐन वक्त में आना था मेरे और दादा बाबू के बीच में। अब पता नहीं फिर से कब मौका मिलेगा जब दादा बाबू अकेले होंगे और मैं उनको सारी सच्चाई बता पाऊंगी। बढ़िया। हाँ कोयल रानी, अपने ददिया ससुर को इम्प्रेशन में मार रही हो का? हाँ समझ गए हम। आप तो कुछ बोलो ही मत मॉम। यू नो आई हेट किड्स, पर फिर भी मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। वैसे यहाँ सब डरे हुए हैं इनसे। ऐसे आदमी को देख के तो कोई भी डरेगा। हमारे जमाने हीरो होता था ना, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, जिसको देख के लगे कि यही आदमी मर्द है, सौ सौ को अकेले झेल लेगा, अकेले निपटेगा। हाँ देख कोयलिया, एक बार तेरे कोई दादा बाबू का आशीर्वाद मिल गया ना, तो समझ ले फिर इस घर में तुझे कोई भी बहू बनने से रोक नहीं सकता। कल दादा बाबू से तुमने मुझे मिलवाया क्यों नहीं? महाजन ग्रुप की लीगल हेड होने के अलावा मैं तुम्हारी भी कुछ लगती हूँ, ये तो तुमने बताया नहीं दादा बाबू को, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था तुमसे। हर बात करने का ना सही समय होता है कोयल। मिलवाऊंगा मैं तुम्हें दादा बाबू से, चल। सभी लोग आरती के लिए आइए। कम यूज़ मेरा बच्चा।
आजा। Let's go. डीजे, युग को लेकर कहां जा रहे हो? दो मुझे। नो युग। नानी। कोयल, मैंने पहले भी यही चीज समझाई थी, हर काम करने का एक सही समय होता है और जल्दबाजी में चीजें सिर्फ और सिर्फ खराब होती हैं। Why are you doing this to me, DJ? Have patience, my love. Have patience. ईशा नजर नहीं आ रही। ईशा कहां है? नमस्ते दादा बाबू। इजी 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 एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रही हैं आप? वही जो हर बार करना पड़ता है जब ईशा नशे में धुत घर आती है। ईशा, तुम शराब पीकर आई हो? दादा बाबू, इसमें चौंकने की क्या बात है? ये नजारा तो यहाँ अक्सर देखने को मिलता है। वैसे इसमें इस बेचारी की भी क्या गलती है? नया पैसा, नई आजादी, हर किसी को नहीं पचती, हर किसी से नहीं संभलती। दादा बाबू, आप अपनी पूजा मत खराब कीजिए। ईशा का तो ये रोज का है, आपके टोकने से कुछ नहीं होगा। कैसे ना टोकू गार्गी। दादा बाबू, मॉम सही कह रही, पर आप प्लीज अपना मूड मत खराब कीजिए। मैं ईशा को समझाऊंगा। नहीं दिग्विजय, मैं इससे पूछना चाहता हूं, क्या इसे अपने बड़े बुजुर्गों का जरा भी ख्याल नहीं? ये संस्कार दिए तुम्हें प्रेमर भूमि ने? तुम इस हद तक गिर जाओगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें ऐसी हालत में देखकर। भूल गई तुम कि तुम प्रेम की बेटी हो? भूल गई तुम इस घर की परंपरा, इस घर की प्रतिष्ठा, इस घर का अनुशासन?
परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये तीन स्तंभ है। बूम! हाँ? क्या हो रहा है आपको? ओ एलिया, तुम बस इनकी चरणों में पड़ी रहो। हम तो इनको देख सुन के ही वीर गति प्राप्त करने को तैयार हैं। मॉम, बोलो ईशा, चुप क्यों खड़ी हो? इतनी बेशर्मी कहां से सीखी तुमने? ईशा, मैंने तुमसे सवाल किया है, जवाब दो। ईशा, तुम्हारी चुप्पी मुझे और गुस्सा दिला रही है, जवाब दो। माँ की ऐसी हालत है कि ईशा को सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगी, और ना ही अर्जुन। और अर्जुन को पता नहीं डीजे से किस बात का डर है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो अपने परिवार को ऐसे बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.